और अगर चंद लोग ये समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटल तौर पर कोई नई कयादत लाएं, तो ये आज के दौर में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उन लोगों की कि कोई एक्सपेरिमेंट फिलहाल हिंदुस्तान में चल नहीं सकता है, क्योंकि फिरका परस्त ताकतें इस कदर मजबूत हैं कि हमें हमारे तजुर्बेकार सलाहियत भरे कायदीन की ज़रूरत है आज इस हिंदुस्तान में, ना कि ना तजुर्बेकार और जो नाम नेहाद सियासतदान है उनकी, बल्कि हमारे हम लोगों को ये चाहिए कि अमरुल इस्लाम साहब की जो 40 साल दौरे क़यादत है उसको मद्देनजर रखते हुए उनके साथ मजबूती से खड़े हों, क्योंकि हमें फिरका परस्त ताकतों के साथ लड़ना है आने वाले वक्त में, हमें अपने आप को मुत्तहिद रखना है, वरना हाल ये हो जाएगा कि जो है हम अपनी न सिर्फ क़यादत को मजबूत रखने में कासिर हो जाएंगे, बल्कि हम अपने आप को इस माहौल में लाकर खड़ा कर देंगे जहां पर हमें मुश्किल होगा कि हम कुछ अपने फायदे के लिए अपने ताकत के लिए काम कर सकें। इस ऑफिस की इफ्तिताह और पिछले दिनों भी कोई ऑफिसों की इफ्तिताह होती रही है मुस्लिम चौक पे, आज ये खूबसूरत माहौल, ये खूबसूरत मंजर इसीलिए है शहर रमज़ान में। इफ्तार के वक्त मुझे 2-5 मिनट का मौका दिया गया है ख़ास बात ये बतवाने के लिए कि माजी में भी बहुत से ऐसे लोग साहब के नाम से अपनी ऑफिसें चलाया करते थे, आज खास करके झंडे फहराने लगाने वाले लोगों को साहब ने अपनी लिस्ट से बहुत दूर कर दिया है, और उन लोगों को जो फोटोबाज लोग थे वो उनकी अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि जो अमल करता है लोगों को अमल सिखाता है, जो लोगों के लिए मेहनत करता है, ऐसे लोग साहब के पास बहुत थे। फिर भी कुछ लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ फोटो के सहारे, मैं साहब का बहुत बड़ा हमदर्द और मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द, मुझे नहीं लगता था इसकी मिसाल पिछले 1 महीने पहले तमाम मुसलमानों को ये पता चल गया है कि खास करके मुस्लिम चौक के लोगों को ये पता चल गया है कि एक काबिल इंसान में और एक जाहिल इंसान में क्या फर्क होता है। इसी वजह से आज इस ऑफिस का इफ्तिताह है, ये खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी तमाम परेशानियां ला सकते हैं, अपने मुश्किलात का हल ढूंढ सकते हैं, आप लोगों के तमाम मसले का हल हो सकता है, तमाम लोग आ सकते हैं, यहाँ कोई पाबंदी नहीं रहेगी, यहाँ किसी भी आदमी को बाहर ठहरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब भी आएंगे आपको अलहाज कमर इस्लाम साहब का नंबर मिलेगा यहाँ से, अगर आपकी कोई ज्यादा परेशानी है तो आपको लाइव बात कराया जाएगा, और तमाम लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन शहर रमजान में ही पता चल जाएगा कि ये ऑफिस किस लिए खोली। और दूसरे दिगर सेकुलर पार्टियों को फंड पैसा देकर मुसलमानों के वोटों को फोड़ना चाह रहे हैं, इनकी साजिश से बचें और इत्तेहाद का मुजाहरा करें। मुसलमान हमरुल इस्लाम साहब न सिर्फ आज मिल्लत के लीडर हैं, बल्कि आज वो एक सेकुलर जाना खायल है, इनकी ख्यालत पर हिंदू मुसलमान लिंगायत दलित हर कोई जो है ना इनकी ख्यालत को तस्लीम करता है, इसलिए लिहाजा मैं आप तमाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आज की जो घड़ी में रमज़ान के रोज़े में आज ऑफिस का इफ्तिताह होने जा है, अल्लाह इस ऑफिस को खैर बरकत से मालामाल करे और हमरुल इस्लाम की क़यादत को मजबूत करे, इतना कहते हुए मैं जगह लेता हूँ। उन्होंने क्या नहीं देखा, क्या नहीं पाया वो उनको मालूम है, फिर भी भगवान उनके साथ है, कितने भी ऐसे कितने भी नरगिस आए हैं, कितने भी उनके साथ चल गए, ऐसे नरगिस को उन्होंने नहीं पाया जाता है मेरे जगह। मुबारक मौके पर जो आज कदीम तारीखी जो है ना मुस्लिम चौक, जिसको जो है ना अमीर जाखम इस्लाम साहब का गढ़ कहा जाता है, वह इंशाअल्लाह ताहिया जो है ना गढ़ कायम रहेगा और यहाँ से बेहतरीन जो है ना काम का आगाज़ होगा, और मैं सबको जो है ना मुबारकबाद देता हूँ इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ की, कि आइंदा हम सब जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग जो है ना कायदे मोहतरम से रुजू हो सकते हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी जो है ना खिदमत की जाएगी। इस मुस्लिम चौक का अगर कोई नाम दिया है कोई बानी है तो वह डॉक्टर कमर इस्लाम है। कमर इस्लाम ने इसका नाम मुस्लिम चौक इसलिए रखा कि उन हालात में उस दौर में
हमारे तमाम मुसलमान भाई बहुत बेचैन थे और शदीद एहसास कमतरी में मुबतला थे और एक खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो खमर इस्लाम ने ऐसे वक्त में इस चौक पर आकर अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया और यहाँ तमाम मुसलमानों को एकजुट कर जमा कर यहाँ पर इत्तेहाद की बात कर उनके दिलों से खौफ व हिरास के माहौल को दूर किया। और न सिर्फ ज़िले गुलबर्गा रियासत कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान में इस मुस्लिम चौक की मिसाल दी जाती है। कुछ मफाद हासिला अफराद, कुछ शर पसंद असरात यहाँ जमा होकर इस मुस्लिम चौक का जो नाम है, जो इसकी अहमियत है, उसको ख़त्म करने की अपनी नाकाम और नापाक इरादे यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मैं मुस्लिम चौक के तमाम यहाँ पर रहने वाले अतराफ व अकनाफ के रहने वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस चुंगल में नहीं आए और ना ही ऐसी साजिश में उन्होंने उन अफराद का उन्होंने साथ दिया। मैं आखिर में मुस्लिम चौक के तमाम जिम्मेदारों से पुरजोर अपील करता हूँ, मुसलमानों से खासकर, कि वो अपने इत्तेहाद को बरकरार रखें और यहाँ पर जिस किस्म की जो हर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ से बाखबर रहें और यहाँ पर अपने इत्तेहाद को कायम रखकर डॉक्टर खमर इस्लाम साहब की क़यादत को मजबूत करें और मुस्तहकम करें और फिर एक बार यहाँ से अपने इत्तेहाद का यहाँ पैगाम पूरे हिंदुस्तान को रवाना करें। ये हकीकत है, पुलिस एक्शन के बाद जो मरूबियत यहाँ पर थी, उस मरूबियत को निकालने के लिए मुस्लिम चौक यहाँ पर नाम रखकर हमने गुलाम मुस्तफ़ा होने के नाते मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का सिलसिला शुरू किया और वो जुलूस 39 जुलूस हुए और इंशाल्लाह आने वाले रबी अव्वल में 40वां जुलूस होगा। और आपने देखा कि ये मुस्लिम चौक न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलम इस्लाम में भी इस जुलूस के बहुत सी चीज़ें देखते हैं। ज़ाहिर बात है कि शैतान हमेशा लगा हुआ है, अच्छे अच्छे इंसानों को भी बहकाता है। हमारे में चंद मफाद परस्त, उन्होंने कोशिश की और वो ये समझते हैं कि साहब हम एक दो अफराद पूरी मिल्लत को धोखा दे सकते हैं। माशाल्लाह गुलामान मुस्तफ़ा समझते हैं, सियासत समझते हैं, क़ियादत समझते हैं। जो मुस्तफ़ा का गुलाम है वही कायद हो सकता है और कोई कायद नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ले बगैर मैं ख़ास तौर से मुस्लिम चौक के इस दफ्तर के लिए बहुत से यहाँ के नौजवान, तैनियत है, इकबाल है, अमजद है, इन तमाम के ग्रुप ने, यहाँ के बच्चों ने कहा कि खमर साहब, जैसा कि इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा, हम अमली लोग हैं, हम अमल करके बताएंगे। और हमको भी था कि साहब एक बड़ा ऑफिस हो, यह ऑफिस यहाँ है और ये मैं नया सिलसिला शुरू नहीं किया। मैं जब भी चुनकर आया मेरे हमेशा खमरुल इस्लाम ऑफिस रहे हैं और अब ये ऑफिस भी है, हर महल्ले में है। मुस्लिम लीग के दौर से खमरुल इस्लाम के ऑफिस उसके फ़ोन थे, यहाँ पर और ऑफिसेस आएंगे ताकि अवाम से राबता बरकरार रहे और हम अवाम के मसाइल से जुड़े रहें, मिल्लत से जुड़े रहें, सेकुलर ताकतों से जुड़े रहें, फिरका परस्त ताकतों पर वाच रखें, फिरका परस्त ताकतों की साजिशों को नाकाम करें। और हमारे कुछ भाई नौजवान
उन ताकतों में अगर बहकावे से आते हैं तो उन तक हम अपनी बात को पहुंचाएं।